ॐ म्रीं श्रीं क्लीं आरम्भम् हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं च्वीं च्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जिन विसिञ्चयामिति ॐ ह्रीं श्री मुनिशुभ्रजिनेन्द्राय जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा क्लीं ऐं आरम्भं मं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते अभित्तर्जन विसिञ्चयामिति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री मुनिशुभ्रजिनेन्द्राय जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालचन्दं श्री विश्वादि महावीपर चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यनमाद्ये जम्मूदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्ड भारतदेशे राजस्थान प्रान्ते जहात्पुर नाम्नि नगरे श्री मुनिशुभ्रनाथ मंदिर मध्ये माशतम मासे अश्विन मासे शुक्लपक्षे एकादशी तिथौ दिन गुरुवासरे प्रातःकाल वेलायां मुनियार्काणां सावकसकाणां सकलं कर्च्छयार्थं जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरतांजलि निष्णप्यामिति स्वाहा आजिए ॐ ह्रीं श्री मुनिशुभ्रजिनेन्द्राय जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा 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 जहाजपुर जाने को मारो मन डोले स्वस्ति धाम जाने को मारो मन डोले ओ चला चला रे हो चला चला रे हो चला चला रे जो प्रभु जी गाड़ी हले 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 स्वस्ति धाम जाने को मारो मन डोले जहाजपुर जाने को मारो मन डोले आज प्रभु का नमन करेंगे दर्शन कर सुख पाया भक्ति भाव से झूम झूम कर नाच नाच कर गाय चला चला रे ओ चला चला रे जो प्रभु जी गाड़ी हले 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 जहाजपुर जाने को मारो मन डोले स्वस्ति धाम जाने को मारो मन डोले देख प्रभु की मूरत देखो मन मेरा हर्षाया मुनिशुभ्रत के चरणों में मैं द्वार तिहारे आया चला चला रे हो चला चला रे जो प्रभु जी गाड़ी हले 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 जहाजपुर जाने को मारो मन डोले स्वस्ति धाम जाने को मारो मन मत कहना कि शनि के निवारण बहुत छोटा कर दोगे शनि के नहीं अरे कष्टों का निवारण अगर कहीं होता है तो इन चरणों में होता है इसलिए कभी ये मत मानना हमारे तीर्थंकर भगवान को सीमित नहीं करना ये तो असीमित हैं असीमित हैं यहाँ पे कोई संसार का रोग नहीं चलता जिनके चरणों को पा करके संसार रोग ही समाप्त हो जाता इसलिए ये भाव न करना सर्व ग्रह अरिष्ट निवारक हैं तीर्थंकर भगवान एक ग्रह के नहीं सारे ग्रह के अरे जिन्होंने संसार के सारे रोगों को ठीक कर दिया वो कहां शनि यानि के चक्कर में आप समझिए गहराई को समझिए इसलिए आप यहां पर सर्व ग्रह अपने आप लाइन पे लग जाएंगे और जो ग्रह आपके विमुख होंगे ना वो भी आपके अनुकूलम अनुकूलम और कुरु कुरु करने लगेंगे कि भैया ये तो भगवान की शरण में आ गया है इसके जीवन के कष्टों को मिटना ही होगा जो लोग जिस प्रकार की भावना लेकर के आए हैं उनकी मनोकामनाएं तो यहाँ इस क्षेत्र में पूर्ण होनी है मैं अपनी तरफी से भी माता जी अपने परिवार और आप सबकी तरफी से अपने नगर की तरफी से भी माता जी हैं नहीं प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में उनके श्री चरणों में बारंबार बदनामी करता हूँ
शांति नाथ है शांति कराए सर्व पर कृषित पद्रा विनाश नाय सर्व शाम नामर विघ्न विनाश नाय ओम राम रीम रूम रऊ रास यऊसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम रूम झूम फट किटिम किटिम गाता गाता पर विघ्नान स्फोटाय स्फोटाय सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुन्द्रान छिन छिन पर मंत्रान विन विन छा छा वाह वाह हूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम रीम क्लीम नमस्य उषा नत्वद विदाय नमो अंतालो ओम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु ओम आराम श्रीम आहुरूम ओरूम सहारा जगदा पद विनाशनाय ह्रीम श्रीम शांति नाथाय नमः सर्व शांति कुरु कुरु सब बोलेंगे कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांति नाथाय अशोक तरसत प्रातियार मणताय अशोक तरसत प्रातियार सोवन पतुदाय हमलियुर बीजा सर पद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांति नाथाय सुरपुर सृष्टि सत प्रातियार मणताय सुरपुर सृष्टि सत प्रातियार सोवन पतुदाय हमलियुर बीजा सर पद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दीर्धोनि सत प्रातियार मणताय दीर्धोनि सत प्रातियार सोवन पतुदाय ममलयूर बीजाय सर्पद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामरोज सत प्रातियार मणताय चामरोज सत प्रातियार सोवन पतुदाय रमलयूर बीजाय सर्पद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातियार मणताय सिंहासन सत प्रातियार सोवन पतुदाय गमलयूर बीजाय सर्पद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय धुंधवी सत प्रातियार मणताय धुंधवी सत प्रातियार सोवन पतुदाय इसमलयूर बीजाय सर्पद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय त्रिक्षेत्र सत प्रातियार मणताय त्रिक्षेत्र सत प्रातियार सोवन पतुदाय गमलयूर बीजाय सर्पद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातियार अष्टाय सहताय बीजष्ट मंडन मणताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज गए पदृष्ट पद्रव दारिद्रव पद्रव स्वचक्र परचक्र भव पद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भव पद्रव साकनी डांकनी भूत प्रसाद कृत पद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वैधिरत पद्रणाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु प्रथम कलश सौधर्म परिवार राजेश कुमार जी अनूप कुमार निखिल जैन खजानजी परिवार इटावा सह परिवार से प्रथम शांति द्वारा कर्ता रविंद्र कुमार जी रूपम जैन सुबना सारिका राजन रिमसा जैन समस्त नायक परिवार आगरा द्वितीय शांति द्वारा कर्ता अतुल जी सुनील जी जैन दिल्ली जगमुख भूतन लाल जी जैन दया जैन राज रानी ललित जैन द्वितीय कलशकर्ता महावीर प्रसाद जी सुशील शांति लाल जी मनोज अंकित गोदा वर्षा नमामि जैन रितु डॉक्टर चंद्रकांत अंकित जैन डेरीवली सह परिवार से चार कलशकर्ता अनुज कुमार प्रवीण आर जब आगम जैन लक्ष्मी जैन स्वस्तिक साड़ी सेंटर सुनील कुमार जी गंगवाल गांधीनगर इंदौर नरेश कुमार जी वीरेंद्र कुमार जैन नरेंद्र कुमार जी जैन कलकत्ता गुवाहाटी प्रमोद कुमार जी सचिन जैन आगरा मार्ट प्रसाद जी मेहुल छावड़ा रानोली आलोक कुमार गौरव जैन कलकत्ता अनिल कुमार जैन इंदौर सत्येंद्र जी ऋषभ जैन शामली सिंपी जैन स्वास्थ्य लाभ हेटू कोटा रमेश कुमार अभिषेक आशीष कला हैदराबाद पुष्पा देवी अशोक जी सुरेंद्र जी प्रदीप जी अमित जी ध्रुव जियांश श्रेया अंशिका नीति पहाड़िया कुचामन सिटी जियांश पहाड़िया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उमेश संजय छगनलाल जी मेहता अभय सिंह आशा जी अमित जी सिंह के स्वास्थ्य लाभ हेतु निधि निमित सागर भक्तामर पाठकर्ता प्रेमलता जैन दलप तुर परिवार सागर स्वस्ति पुनित प्रदीप कुमार जैन इंदौर बिंदु मनीष जैन इंदौर हिमांशु चंदेरिया चंद्र प्रकाश संदीप जैन समस्त बंसल परिवार कोटा निर्मल कुमार जी जैन सह परिवार कोटा आदिनाथ जैन संघ गिंगला उदयपुर महा आरतीकर्ता परिवार पुनित जी प्रदीप मीना सेजल स्वस्ति जैन सह परिवार इंदौर प्रतिदिन शांति धारा कर्ता श्री तरुण जी रजनी जी अनुराग जी काला अंकुर आरिदी आरवीर पाटनी सह परिवार मुंबई श्री अशोक कुमार जी श्रीमती संतोष देवी आशुतोष नितिशा आशीष रितिका विदिशा नित्यांश आशीष जसित विनयका सह परिवार सूरत श्री विमल कुमार जी अशोक जी संजय जी विकास जी आयुष पलक प्रतीक काव्या सक्षम अवधि समस्त रारा परिवार राहुल केला उड़ीसा बांसवाड़ा से संगवी सुरेश कुमार जी अंजना जी ललित अरुणदा जी संगवी सह परिवार से श्री कैलाश संजीव माणक चंजी रमेश चंजी दीपक जी शुभम दर्पण समस्त ठोलिया बोरा परिवार जयपुर श्री भूपेंद्र जी रेखा जी उमड़ सह परिवार मुंबई श्री राजेंद्र जी संजय जी विशेष जी गर्वित पुष्पा जी जैन सह परिवार गृह शांति व सुख शांति हेतु सिकरी श्रीमती अन्नू जी जैन बच्चू जी सिंह जी जैन गोता जैन अन्नू जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु राखी परिवार अलवर अनिल जी
परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्थ धाम प्रणेता गणनीय आरकरत स्वस्थ भूषण माता जी बाड़ा पद एम पुराण विराजमान समस्त संघस्य सुलिका रथमती माता जी स्वस्थ धाम विराजमान समस्त संघस्य यहाँ उपस्थित समस्त इंद्रगण सह परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज जाजपुर सह परिवार से समस्त शांति द्वारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले बोलने वाले टीवी के माध्यम से देश विदेश में देखने वाले कोरोना महामारी समाप्ति हेतु विश्व शांति हेतु समस्त स्वस्थ धाम तीर्थ क्षेत्र कार्यकर्ता कमेटी गण सदस्य सह परिवार से अमरचंद महेंद्र कुमार महेश कुमार जैन रानोली निवासी भिवंडी सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणम प्रतिपाले का नाम यति न सामान्य तपोधनाना देशासिरासस पुरासिराज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। परम सौभाग्य हमारे परिवार को मिला, ये सब भगवान की कृपा से मिला। आज का हमें परम सौभाग्य मिला कि हम हमें शांति धारा करने का परम सौभाग्य मिला। हमारी तीन बार यहाँ पे आए, तीनों बार मतलब भगवान की कृपा से पहली बार ही मौका मिला मतलब अभिषेक करने का मतलब। ब्रह्मप्रभ माता जी को बंदामी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रथम शांति धारा करने का अवसर मिला और पुरानी ईदगाह कॉलोनी आगरा की तरफ से और सभी अपने सभी साथियों की तरफ से मंसूर रत्नाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसलिए मानस्तंभ आपको यहाँ से स्मृति चिन्ह के रूप में जिस प्रकार मानस्तंभ ऊंचाइयों को छूता है, मान का मर्दन करने वाला। हमारी 75वां जन्मदिवस है जिसके कारण इन्होंने प्रेरणा मिला, इनका बहुत मन था यहाँ पर आने का, अपने को झाजपुर के बारे में इन्होंने बताया, तो जो एक हफ्ते पहले प्रोग्राम बना इसको लेके हम यहाँ पे आए, बहुत जो यहाँ पे आके अनुभूति हुई, जो मन खुला यहाँ पे आके उसका बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। सुबह 6:30 बजे तक विचार नहीं था कि शांति धारा हमने करनी है, यहाँ पे आए विचार बना और आगे बढ़ गए। शांति धारा और अभिषेक का पुण्य लाभ ले रहे थे और आज हमारे अंकित जी देवली के पुण्योदय और उनके सौभाग्य से हमें भी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ आकर भगवान का अभिषेक शांति धारा और माता जी के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम सब का सौभाग्य है कि हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और अब मैं अपने परिवार को सबको लेके आऊँगी यहाँ पे, ऐसी मेरी भावना है। प्रत्येक साल यहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दर्शन करने आते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति और भक्ति दे कि हम प्रत्येक साल आपका दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिले। इसी भावना के साथ हम आज यहाँ दर्शन करने आए थे और हमें श्री जी का कलश करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम पूरी कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही माता जी का हम इच्छा भी वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद चाहेंगे कि हमें ये आशीर्वाद दे कि हम प्रत्येक साल मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पुनः दर्शन प्राप्त हो। इसी भावना के साथ बोलिए मुनि स्वस्ति भूषण माता जी की जय, आर्य माँ की जय, वंदामी माता जी। देखिए मेरी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण हुई है मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा से, इसलिए मैं सबसे कहूँगी जिसी को भी मनोकामना करनी हो आपकी अवश्य पूर्ण होगी, जरूर पूरी होगी, मेरी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण हुई है, आस्था बनाए रखें सब। बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय, आर्य का माँ गणपति स्वस्तिक भूषण माता जी की जय। वह जी बड़ा ही पुण्यशाली है जिन्हें बार बार मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दर्शन और कलश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात मैं इस धाम के लिए बोलना चाहूँगा कि यहाँ की रहने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है और शायद ये पहला अतिशय क्षेत्र है जहाँ पर यात्रियों के साथ साथ ड्राइवरों की भी व्यवस्था बहुत सुंदर की है, इसके लिए वास्तव में काबिले तारीफ है। और हमारे पंडित जी जय कुमार जी ये पहले गुवाहाटी में थे 6 साल तक, फिर ये यहाँ पे आए हैं,
बीच में ये श्रवण बेलगोला में जब महामस्तकाभिषेक हुए थे तो वहाँ आसाम भवन के इंचार्ज भी थे। और ये ऑल इन वन है, पंडित जी के साथ साथ संगीतकार गायक, आपने सुना ही होगा अभी इनका भजन, वास्तव में इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाए, जय कुमार जी के लिए भी। ये ऑल इन वन है, सभी कार्य खूब सुचारू रूप से कर रहे हैं। सुलिका माता जी जो यहाँ विराजमान है उनको दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी की तरफ से इच्छामी माता जी इच्छामी, आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो ऐसी हम आशा करते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। साक्षात विराजमान माता जी के चरणों में बंदामी। साथियों में जो चार लाइन बोल रहा हूँ उसमें एक शब्द आता है सखावत। सखावत उन सारी निधियों को बोलते हैं, उन सारी लौकिक शक्तियों को बोलते हैं जो तीर्थंकर के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। तीर्थंकर भगवान के बाद जिसका नंबर आता है उसको बोलते हैं सखावत से परिपूर्ण शक्तियाँ। तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में चार लाइनें हैं, मैंने लिखी नहीं है, याद की हैं, किसी और की लिखी हुई हैं। तेरे दरबार की भगवन निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटते देखी। फैलाया कर आकर तेरे दरबार में जिसने बड़े बाबा, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तो गुवाहाटी से और जय भैया जी से मुलाकात हुई, मैंने पूछा बहुत अभिमान करते हो, क्या बात है, बहुत गुमान है तुमको? तो बोले सुनो पंडित जी, न शोहरत पे गुमान करते हैं, न दौलत पर गुमान करते हैं, न शोहरत पर गुमान करते हैं, न दौलत पर गुमान करते हैं, प्रकृति ने किया जैन कुल में पैदा इस बात का अभिमान करते हैं। बोले मुनि सत्यनाथ भगवान की। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ जी, यहाँ पर भगवत सेवा में उपस्थित हो पाए हैं। यह स्थान आज से कुछ वर्षों पहले आप चिंतन करें कि यह क्या स्थान था और गुरु कृपा से यह क्या स्थान है। गुरु की आंखें बोलती हैं फिर मुख की क्या बात, और धन्य उसका माथ है जिस पर गुरु का हाथ। और ऐसी ही कृपा यहाँ आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी की हुई कि आज हमें ये बहुत बड़े रूप में ये अतिशय क्षेत्र यहाँ पे प्राप्त हुआ। और ये अतिशय क्षेत्र नहीं है, ये समझ लीजिए कि आपका भाव सुधार केंद्र है, इधर का भी और उधर का भी। ये ऐसा केंद्र यहां स्थापित हो गया कि यहां का भाव भी सुधारेगा और वहां का भाव भी सुधारेगा। ऐसी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा समय न लूं, हमारे भाई सत जय कुमार जी को आगे भी क्रियाओं का संपादन करना है और शांति धारा का आप सबका भाव है। तो आप ऐसे क्षेत्र में आए हैं, अपने आप को धन्य माने, इस क्षेत्र में आकर के अपनी चंचला लक्ष्मी के साथ साथ बोलता रहूं। हाँ, बड़ी कृपा माता जी कह रही हैं कि आप तो बोलते रहें, बड़ी कृपा माता जी, मेरे पूरे परिवार में उस छोटे से नगर कटनी की तरफ से आपके श्री चरणों में बारंबार बदनामी करता हूं। आपका आशीर्वाद हम सबको पूरे नगर को प्राप्त करे। यहाँ पे जो भक्तगण आए हैं उनकी तरफ से भी आपको बारंबार बदनामी इच्छामी करता हूँ और आपका आशीष हम सब भक्तों को मिले।
जहाजपुर में, जहाजपुर मुनि सुब्रत नाथ का जहाज आया है। जहाजपुर मुनि सुब्रत नाथ का जहाज आया है। स्वस्ति भूषण माता जी ने तीर्थ बनाया है, प्रभु की पूजा रचाएंगे, भजन और गीत गाएंगे।